नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा शर्मा स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल SS Homes पे। तो दोस्तों, SS Homes की तरफ से आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपको मिलने वाली है काफ़ी सारी फैसिलिटी। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये आज के ही नहीं बल्कि फ्यूचर को देखते हुए बनाया गया है। यहाँ आपको मिलने वाली है काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटीज़। तो दोस्तों, हमारा ये पूरा विला 20x60 के डायमेंशन के अंदर बना हुआ है, साथ ही 133 गज में पूरा विला आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस विला के अंदर कितने कमरे रहने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो ये विला है ये 4 BHK के अंदर रहेगा, फुल डुप्लेक्स विला है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको आपके ग्राउंड फ्लोर में 2 रूम्स, हॉल, किचन, लैट्रिन, बाथ मिल जाएगा, साथ ही एज इट इज़ वैसा ही वैसा आपको आपके फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, आइए टूर करते हैं शानदार से प्रोजेक्ट का। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं एंट्री लूँगी तो काफ़ी अच्छे सफिशिएंट स्पेस में आपको यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। एंट्री में आपके आराम से यहाँ पर 4 व्हीलर पार्क कर पाएंगे, इजीली पार्क हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा स्पेस का। वाटर टैंक का प्रोविज़न आपको यहाँ पर मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पर आपको एक गैलरी पार्ट मिल जाएगा, जो यहाँ पर आप गार्डनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्विमिंग लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, या गार्डनिंग करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो ये विला है इसके अंदर ड्यूल एंट्री रहेगी, जो एक जाएगी आपके लिविंग एरिया से होते हुए, तो आप देख सकते हैं, और एक जो रहेगी आपकी वो जाएगी आपकी मेन एंट्री, जो जाएगी इस तरफ से। तो आइए चलते हैं और विला को अंदर से टूर करते हैं। हम एंट्री देखेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा एक मैस्ट्रो, साथ ही दोस्तों जैसे ही हम हमारे लिविंग एरिया की तरफ आएंगे वहाँ मिलेगा आपको एक वुडन डोर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेंसर ऑटोमेटिक डोर। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको इस विला को फ्यूचर को देखते हुए बनाया गया है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको सेंसर लाइट्स मिल जाएंगी, साथ ही सेंसर डोर्स की फिटिंग आपको यहाँ पर करके दी गई है। एंड जैसे आप हमारा लिविंग एरिया देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्पेशियस साइज़ में आपको आपका लिविंग एरिया मिल रहा है। यहाँ पर आराम से आपके यहाँ पर 10 सीटर सोफाज ईजिली सेट कर पाएंगे, कोई इशू नहीं होगा उस चीज़ का। साथ ही आपको यहाँ पर शेड लेयर भी लगाई हुई दी गई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं, ये रहेगा हमारा LED पैनल। LED पैनल की हम बात करें तो अच्छी हाइट में LED पैनल यहाँ पर मिल रहा है आपको। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे किचन का टूर करने। किचन से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये रहेगा हमारा वॉश बेसिन एरिया हमारा सेपरेट रहेगा, साथ ही यहाँ पर भी आपको सेंसर लाइट की फिटिंग मिल जाएगी। एंड ये रहेगा हमारा किचन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्पेस में हमारा किचन रहने वाला है। आज का काफ़ी मॉड्यूलर डिज़ाइन के अंदर हमारे किचन को डिज़ाइन करा है, यहाँ पर ग्रेनाइट के टॉप के साथ यहाँ पर आपको वुडन कलर में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कैबिनेट्स, वार्डरोब्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल किचन के मुताबिक यहाँ पर काफ़ी सारे आपको कैबिनेट्स प्रोवाइड करके दिए गए हैं, साथ ही यहाँ पर आपको चिमनी भी ऑलरेडी लगी हुई मिल रही है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमने हमारे किचन का टूर कर ही लिया है, तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट मास्टर बेडरूम को देखने। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम रहेगा आज का, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आपको आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम मिल रहा है। साथ ही वॉलपेपर की बात करें तो काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन में वॉलपेपर मिल जाएगा आपको, AC के लिए सेपरेट एरिया मिल जाएगा, लुक कर लीजिए। साथ ही फॉल सीलिंग की अगर हम बात करें तो एक बार फॉल सीलिंग भी आप लुक कर सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग मिल जाएगी आपको। एंड वार्डरोब भी आपको यहाँ पर लगी हुई मिल रही है। साथ ही जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमारा जो ये विला है ये फ्यूचर को देखते हुए बनाया गया है, एंड आपको पूरे विला के अंदर सेंसर लाइट की फिटिंग्स हमने यहाँ पर करके दी है। तो जैसे ही आप आपके वॉशरूम के अंदर एंट्री लेंगे, आपने देख ही लिया होगा
लाइट ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑन हो गई है, तो आप देख सकते हैं अच्छा स्पेस आपके लाइट बाथ एरिया में मिल रहा है आपको। प्रॉपर हाइट की टाइल्स लगा के दिए हैं, साथ ही सारे ब्रांडेड टाइल फिटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हमने देख लिया हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम, अब टूर करते हैं हमारे सेकंड बेडरूम का। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा सेकंड बेडरूम आज का, एज ए गेस्ट रूम भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एंट्री है वो आपके ड्यूल रहने वाली है जो आपके एक जाएगी इस रूम से। जैसे कि वॉलपेपर की अगर हम बात करें तो वॉलपेपर भी काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एसी के सेपरेट एरिया मिल जाएगा। साथ ही अगर हम फॉल सीलिंग की बात करें तो ब्यूटीफुल डिज़ाइन में आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग मिल रही है। वार्डरोब ऑलरेडी आपको यहाँ पर लगी हुई दी है हमने वुडन के अंदर, तो आप उसको भी लुक कर सकते हैं। साथ ही ये ड्यूल एंट्री यहाँ से भी रहेगी आपकी, तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा एक मैश डोर की अगर हम बात करें तो आप लुक कर सकते हैं, ये रहेगा हमारा मैश डोर, यहाँ पर भी आपको हमने प्रोवाइड करके दिया है। दोस्तों अब हमने देख लिया हमारा ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर हमने देखे हमारे टू रूम, हॉल एरिया, किचन एंड लेट बाथ एक। तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर का टूर करने। और सबसे खास बात दोस्तों ये कि हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी स्टेयर्स बाहर से दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं। एंड साथ ही में आपके स्टेयर्स में आपको यहाँ पर लाइट की फिटिंग मिल जाएगी। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं और रात में चढ़ने में दिक्कत होती है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो उजाले के अंदर यहाँ पर आराम से चढ़ सकते हैं सीढ़ी। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट फ्लोर रहेगा उसकी एंट्री पे भी हमें एक मैश डोर मिल रहा है, आप लुक कर लीजिए। साथ ही हमें यहाँ पर फिर एक वुडन डोर मिल जाएगा। देन जैसे एज इट इज़ हमारा जो ग्राउंड फ्लोर था वैसे ही हमारा फर्स्ट फ्लोर रहेगा, आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल डिज़ाइन के अंदर मिल रहा है। शैंडलियर आपको यहाँ पर भी लगी हुई दी है, साथ ही अच्छे स्पेस के साथ आपको आपका फर्स्ट फ्लोर मिल रहा है। एलईडी पैनल लुक कर लीजिए उसका, ये हमारा एलईडी पैनल रहेगा, वॉलपेपर लगा हुआ आपको ऑलरेडी दिया है यहाँ पर। वॉल सीलिंग ब्यूटीफुल मिल जाएगी आपको, लुक कर सकते हैं। एंड ये रहेगा हमारा वॉश बेसिन एरिया, सेपरेट एरिया वॉश बेसिन का रहेगा। देन किचन की अगर हम बात करें तो आप देख ही सकते हैं एज इट इज़ हमारे ग्राउंड फ्लोर की तरह हमें यहाँ पर भी किचन वैसे ही मिल रही है, सेम स्पेस है, सेम कैबिनेट वॉल्डो हमने यहाँ पर भी आपको लगा के दिए हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपकी छोटी फैमिली है, चार लोग ही आपके घर में रहते हैं या आपकी छोटी फैमिली है, तो आप इस फ्लोर को रेंट आउट भी कर सकते हैं, जिससे आपका एक इनकम सोर्स भी आ जाएगा और आपकी प्राइवेसी भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि जो इस फ्लोर की स्टेयर्स है वो बाहर की तरफ है। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड रूम का टूर करने। तो ये हमारा थर्ड रूम रहेगा, आप देख सकते हैं अच्छे स्पेसेस आते हैं, ब्यूटीफुल आपको वॉलपेपर मिल जाएगा, फॉल सीलिंग आपको मिल जाएगी, लुक कर लीजिए। यहाँ पर वार्डरोब भी मिल रही है आपको वुडन के अंदर। साथ ही ये रहेगा देखिए हमारा बाथरूम, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था आपको, ये आपको यहाँ पर सेंसर लाइट की फिटिंग मिल जाएगी। तो जैसे आपने देखा होगा जैसे मैंने एंट्री ली लाइट बाथ एरिया में, सेंसर लाइट्स यहाँ पर ऑन हो गई, यहाँ पर प्रॉपर हाइट की आपको टाइल्स मिल रही है, ब्रांडेड टाइल फिटिंग्स आपको ऑलरेडी हमने यहाँ पर कर दी है। तो चलते हैं दोस्तों अब हमारा लास्ट रूम का टूर करने, आइए। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा लास्ट बेडरूम, देखा जाए तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। अगर आप अपने यहाँ पर किंग साइज़ का बेड भी रखते हैं देन उसके बाद भी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी सफिशिएंट स्पेस रहेगा। वॉलपेपर की अगर मैं बात करूँ तो ब्यूटीफुल वॉलपेपर मिल जाएगा आपको यहाँ पर, फॉल सीलिंग ब्यूटीफुल आपको मिल रही है यहाँ पर, वार्डरोब आपको ऑलरेडी हमने यहाँ पर लगा के दी है। तो अब चलते हैं हमारी बैल्कनी का टूर करने। बैल्कनी में भी गाइस आपको एक मैच डोर हमने यहाँ पर दिया है, साथ ही अगर हम बैल्कनी की स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको आपकी बैल्कनी में मिल रहा है। आप अपने यहाँ पर 3 to 4 chairs भी लगाते हैं देन उसके बाद भी अच्छा स्पेस यहाँ पर रहेगा। रेलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो मिरर का वर्क रेलिंग में करके दिया है, जो कि आपके पूरे विला को काफ़ी मॉड्यूलर लुक देगा। अपर वॉल की अगर हम बात करें तो वुडन का वर्क मिल जाएगा LED कॉप्स की फिटिंग के साथ, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लुक दे रहा है आपकी पूरी बैल्कनी को। तो दोस्तों अब मैंने आपको दिखा दिया ये 4 BHK का प्रोजेक्ट, जो कि लोकेशन हमारी आज की रहने वाली थी किशोरपुरा रोड, कालवा रोड से मात्र 100 मीटर की डिस्टेंस पे आपको ये प्यारा सा प्रोजेक्ट मिल जाएगा।
दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे कि आपने देखा सेंसर लाइट की फिटिंग्स हमने आपको यहाँ पर करके दी है, एंड जैसे कि आपने देखा काफ़ी मॉड्यूलर डिज़ाइन हमारे इस पूरे विला को डिज़ाइन करा गया है। तो अब कर लेते हैं हम हमारे इस पैरिस विला के प्राइस की बात। तो दोस्तों इस विला की प्राइस रहने वाली है 75 लाख रुपये। जी हाँ, 75 लाख हमारे इस पैरिस विला की प्राइस रहने वाली है। बाकी अदर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पे आपको हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।